फ्यूचर ऑप्शन में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, रोल बेस्ड और फ्यूचर बेस्ड इंस्टॉलेशन चूज करेंगे, सर्वर का नेम और एड्रेस चूज करेंगे, एफएसआरएम जो होता है वो फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज के अंदर ही होता है तो उसको एक्सपेंड करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, आ रहा है नहीं, ये रहा जी फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, चेक मार्क करेंगे, ऐड करेंगे फ्यूचर्स फाइल सर्वर रिसोर्स, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल। तो फाइल सर्विसेज फीचर के अंदर ही ये फीचर होता है हमारे पास, इसके थ्रू हम अब कोटा वगैरह लगा सकते हैं। एक सेंट्रलाइज टूल दे दिया आपको, तो पहले क्या था कि भाई अलग अलग चीज़ों के लिए आपको जगह जगह जाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है एक कंबाइन आपको एक ऑप्शन दे दिया जिसके थ्रू आप कोटा लगाओ या फाइल स्क्रीनिंग कीजिए या रिपोर्ट बनाइए, तो सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। क्या फीचर्स है? हाँ तो रोल आप जो जो इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं, उसी समय कर दिया जाएगा अभी नहीं करते। हाँ ऐसा देखो, फाइल सर्वर बना रहे हैं तो उस पर आप करोगे, एडी वाला सर्वर अलग है आपका, फाइल सर्वर अलग है, तो जितने फाइल सर्वर होंगे उनमें एफएसआरएम आपको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एडी सर्वर अलग हो गया, डिफरेंट हो गया आपका, तो जो फाइल सर्वर आप बनाओगे जितने भी उन सभी पे ये रोल दे सकते हो, किसी को आपने एफएसआरएम के लिए एलोकेट कर दिया, किसी के लिए डीएनएस के लिए कर लिया, किसी को डीएससीपी सर्वर बना दिया, तो अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ना, तो सारी चीज़ें एक ही सर्वर पे हम नहीं दे सकते ना, अगर सारी चीज़ें एक पे करेंगे तो वो बैठ जाएगा सर्वर, सारा कुछ एक पे डाल देंगे तो जो सर्विसेज हैं वो सारी एक्टिव हो जाएंगी एक साथ, तो सर्वर स्लो हो जाएगा, जब सर्वर स्लो हो जाएगा तो काम नहीं कर पाओगे। लिमिट के बाद वो कोटा रीच हो जाएगा, उसके बाद क्या है यूजर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा।
तो देखो ये बहुत सारे कोटा यहाँ पे आप टैंपलेट बने हुए, तो इनको डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप इनमें से कोई भी नहीं लेना चाहते तो आप खुद का टैंपलेट बना सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि खुद का टैंपलेट कैसे बनाया जाता है। तो कोटा टैंपलेट में आएंगे, एक टैंपलेट बनाएंगे यहाँ पे न्यू कोटा टैंपलेट, उसके लिए करेंगे क्रिएट कोटा टैंपलेट। अब देखो यहाँ पे टैंपलेट का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे टैंपलेट का नाम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नाम रेस्टोरेंट 800 MB लिमिट। यहाँ पे लिख दो कोटा फॉर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कोई भी यहाँ पे आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लिमिट देनी है, तो जो लिमिट है वो हम 800 देना चाह रहे हैं, 800 MB यहाँ पे चूज कर लिया हमने। हार्ड कोटा में, हार्ड कोटा में लिखा रहा है डू नॉट अलाउ यूजर टू एक्सीड द लिमिट। हार्ड कोटा में यूजर्स लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट कोटा में कहेंगे कि भाई अलाउ यूजर टू एक्सीड द लिमिट यूज फॉर मॉनिटरिंग पर्पस। इसमें हम देखना चाहते हैं ऐसे कौन से यूजर हैं जो कोटा को रीच कर रहे हैं, अनाप शनाप फाइलें डाल रहे हैं सर्वर मॉनिटर कर रहे हैं, तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो फिर उनको पकड़ेंगे उसी समय। तो इसलिए हम क्या है उसको हार्ड कोटा नहीं देंगे, सॉफ्ट कोटा देंगे, ठीक है। अभी सख्ती नहीं कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं सर, हम नहीं चाहते भाई सख्ती करें, हम देखना चाहते हैं भाई यूज़र कौन कौन से ऐसे हैं जो कोटा को रीच करते हैं, अनाप शनाप फाइलें डालते हैं, ठीक है ना। हार्ड कोटा सॉफ्टवेयर कुछ भी ले सकते हो, मैं ले रहा हूँ हार्ड कोटा। अब यहाँ कह रहा है थ्रेशोल्ड, तो थ्रेशोल्ड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। थ्रेशोल्ड में आपने कहा यहाँ पे कि कितने परसेंट जो है रीच हो कोटा, तो वार्निंग लेवल जो है वो ये पूछ रहा है आपसे, तो वार्निंग लेवल यहाँ परसेंटेज में डालना पड़ता है, 85% ये वार्निंग लेवल है, लेकिन मैं इसको हम 90% कर देता हूँ, और थोड़ा सा यूजर्स को मैं चाहता हूँ कि भाई वार्निंग लेवल 90% रहे आप, तो 90% कर दिया मैंने वार्निंग लेवल। अब देखो यहाँ ईमेल मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो ईमेल एड्रेस यूज़ करेगा, तो ईमेल एड्रेस यूज़ करेगा यानी कि आपका सिस्टम जो है वो किसी लाइव ईमेल सर्वर से कनेक्ट होना चाहिए, तो लाइव ईमेल सर्वर जैसे एक्सचेंज सर्वर से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आपका एक्सचेंज सर्वर से कनेक्टेड होगा तो ऑटोमेटिकली वार्निंग्स आएंगी जो यूज़र्स को और एडमिन को मिलेंगी, यानी यूज़र्स को भी मेल आएगा और एडमिन को भी मेल आएगा। एक मेल जाएगा यूज़र्स के पास कि भाई आपने इतना इतना कोटा रीच कर लिया है, तो ये देखो यहाँ सब्जेक्ट लाइन में लिख के आएगा, देखो सेंड ईमेल टू यूज़र हु एक्सीड द थ्रेशोल्ड, यानी कि जिसने एक्सीड किया कोटा, तो उसमें लिखा आएगा भाई इतने परसेंट आपने कोटा रीच कर दिया। तो ये वेरिएबल बने हुए हैं, ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट हो जाएगा कोटा, अपने आप लिखा आ जाएगा भाई आपने 90% कोटा रीच कर लिया। और यहाँ देखो ये पूरा आप यहाँ पे मैसेज में कुछ भी आप लिख सकते हो, यूज़र को दे सकते हो कि भाई आपने ऐसे ऐसे करके जो है कोटा रीच किया है, तो आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर से कॉन्टेक्ट कीजिए इमिडिएटली, आपका कोटा रीच हो चुका, ठीक है, वार्निंग लेवल जो है वो रीच हो चुका, तो ये ऑटोमेटिकली अलर्ट आएगा। तो ये ऑप्शन किसके लिए आप लगा तो देंगे, लेकिन जब तक आपका ईमेल सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, एक्सचेंज सर्वर एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक यहाँ से मेल नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अलर्ट सेट कर सकते हो, ये होता है इवेंट लॉग में जनरेट। देखिए कह रहा है कि कोई भी SMTP मेल सर्वर यहाँ पे एक्टिव नहीं है, तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो अगर मैं यस कर देता तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब इवेंट व्यूअर में भी लॉग जनरेट हो जाए, यानी कि उसकी लॉग फाइल में एंट्री आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आप लॉग इवेंट में जनरेट कर सकते हो, लॉग सेट कर सकते हो। ये कुछ कमांड होती है जो आप स्क्रिप्ट रन कर सकते हो बैकग्राउंड में, उस सिस्टम पे हो सकता है भाई ज़्यादा फाइलें होंगी तो कुछ फाइल्स डिलीट करा सकते हो, उसमें आप कोई स्क्रिप्ट चला सकते हो जिससे कि यूज़र का डेटा जो है वो खाली हो जाए ड्राइव, ठीक है। फिर आप रिपोर्ट वगैरह बना सकते हो, बाद की ऑप्शन है, यहाँ पे आप ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए, ये यहाँ पे देखो वार्निंग सेट हो गई आप, और आपने ओके कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे
एक टैबलेट तैयार हो गया 800 MB रेस्ट्रिक्शन के लिए। अब इस टैबलेट्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए देखे जाएंगे कोटास के अंदर। कोटास में ग्रेट कोटा, कोटा पास पूछ रहा है, यानी कि हमारे पास जो यूज़र है वो प्रोफाइल ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सी ड्राइव को यूज़ कर रहे हैं, तो हम प्रोफाइल का पाथ दे देंगे डायरेक्ट ब्राउज और सी ड्राइव, सी ड्राइव में प्रोफाइल। और यहाँ पे देखो टैम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, टैम्पलेट है हमारा रेस्टिक 800 MB। आगे आप ये देखिए सारी सेटिंग्स आ गई हमारे पास, क्रिएट करेंगे इसको। अभी देखो 0% दिखा रहा है कि भाई अभी 0% रीच हुआ है कोटा। यहाँ से यूज़र से लॉगिन करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए यूज़र के पास जाएंगे, क्लाइंट सिस्टम में आ गए हम, और क्लाइंट सिस्टम से लॉगिन करेंगे और चेक करेंगे यूज़र को कि यूज़र कितना कोटा रीच कर रहा है। क्लाइंट मशीन में जाके लॉगिन करेंगे, एडमिन वन से ये तो मैंडेटरी प्रोफाइल वाला है ना, फाइल एक्सप्लोर में जाके देखते हैं। 800 MB कोटा मिल गया इसको, लेकिन यहाँ पे इसने पहले ही काफ़ी डेटा इसने डाल रखा है, इसमें इस पर कोई स्पेस ही नहीं बचा है, तो हम दूसरे यूज़र पे जाके चेक करते हैं। तो हमारे पास एक और यूज़र था एडमिन टू, तो हम उस पर जाके देखेंगे। इस यूज़र ने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, जो है स्पेस
इस तरह से यहाँ पे कोटा इमिडिएटली क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है और उसको डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली। बस टेम्पलेट बनाना है सर, बस टेम्पलेट बनाना है और अप्लाई करना है, वो नहीं करना है, ठीक है ना। रिफ्रेश करके एकदम देख सकते हो आप इसमें, ये तो चीज़ होगी कोटा लगाने की, ठीक है। इसके बाद हम इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में स्क्रीनिंग